या आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि 18 साल के कम से कम उम्र के बच्चों ने आना था, ये तो सारे अज्यूम करने वाली बातें ना कि वो आते तो ये होता, वो आते तो ये होता, तो उससे पहले ये कर ले। कोई अपने ऊपर हमला करने की इजाजत देता है? पाकिस्तानी नहीं मानते वो आपको, पाकिस्तानी ये तो नहीं साथ बैठने के लिए तैयार। मुजम्मिल सोलवटी साहब, हुकूमत के पास ताकत है, वसाइल है, आप कह रहे हैं कि लोग निकलना नहीं चाहते हैं, तो 8 फरवरी को कौन निकला था? मुझे नहीं पता कौन निकला था। वो कहते हैं कि हम खान को रिहा कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे, यहाँ वो इस्लामाबाद पर कब्जा करके रिहा कराना चाहते हैं, यहाँ वो अडियाला तोड़ के रिहा कराना चाहते हैं। दूसरा, अडियाला को तोड़ना इतना आसान है? या इस तरह कभी कैदी रिहा करवाए गए जो इतना हुकूमत ने इसको सीरियस ले लिया? तो नीचे किसी की जरूरत है? हमें बेवकूफ ना बनाया जाए कि बात ऊपर हो रही है, बात ऊपर हो रही हो तो नीचे सबको सांप सूंघ जाता है। वो आपस में भी बात करती है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करती है। ये भी कहते हैं कि एक भयानक तजुर्बा एक दूसरे के साथ काम करने का। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम तरीके इंसाफ को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान के खौफ में पूरा मुल्क खुद ही बंद कर दिया है। तमाम शहरों के रास्ते बंद हैं और शहर ही परेशान हैं। आज लाइव शो में नून लीग के लफाफा खोर सहाफ़ी मुजम्मिल सरवर्दी ने जब नून लीग को डिफेंड करने की कोशिश की तो शाज़िया ज़ीशान ने ऐसे तल्ख सवालात पूछे कि मुजम्मिल सरवर्दी की बोलती बंद कर। आए पहले इनकी गर्मा गर्म गुफ्तगु सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अरे, तहरीक इंसाफ को इसलिए एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देना चाहती है जो हमेशा कहते हैं कि हम शहर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे, लोगों की जिंदगियां, लोगों की जिंदगियों को मुश्किलात में घिरने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन खुद ही लोगों को घरों में कैद कर दिया, लोग कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, रस्ते सारे बंद हैं, तो हुकूमत, आपको नहीं लगता हुकूमत खुद ही जो तहरीक इंसाफ पब्लिसिटी नहीं कर पा रही है, ज़ाहिर है नेट बंद है, उनकी तो पब्लिसिटी भी नहीं हो रही है एहतजाज की, लेकिन रास्ते बंद करके और ऐसे इकदाम करके हुकूमत तो खुद ही पब्लिसिटी कर रही है इनके एहतजाज की और धरनों की? बात पब्लिसिटी की नहीं है, बात अहदाफ की है। उनके अहदाफ क्या हैं, वो इस्लामाबाद आकर क्या हासिल करना चाहते हैं, हुकूमत उनका प्रीएम्प्टिव मेजर ले रही है। वो कहते हैं कि हम खान को रिहा कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे, वो गन पॉइंट वो किसी अदालती हुक्म के जरिए तो रिहा नहीं कराना चाहते हैं, यहाँ वो इस्लामाबाद पर कब्जा करके रिहा कराना चाहते हैं, यहाँ वो अडियाला तोड़ के रिहा कराना चाहते हैं। दूसरा तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं, तो आपको लगता है अडियाला को तोड़ना इतना आसान है? या इस तरह कभी कैदी रिहा करवाए गए जो इतना हुकूमत ने इसको सीरियस ले लिया? इससे पहले कभी कोर कमांडर के घर को भी आग नहीं लगाई गई, जीएसक्यू के दरवाजों को नहीं तोड़ा गया, इससे पहले किसी ने रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर को आग नहीं लगाई, इससे पहले किसी ने आईएसआई के दफ्तर को पर हमला नहीं किया, तो इससे पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ है। और उस दिन के बारे में फिर सब यही कहते हैं कि जी उस दिन पुलिस कहाँ थी, हम एहतजाज अहसन साहब को बार बार सुनते हैं कि जी असल जिम्मेदार तो आईजी पंजाब है कि वो उस दिन सोया हुआ था, कि उसने 9 मई में किसी को रोका नहीं, तो आज अगर रोका जा रहा है तो भी मुजरिम है और 9 मई को नहीं रोका तो भी मुजरिम है। वो कहते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा तो है, किसी ने पूछा रऊफ हसन साहब से कि मोहसिन नकवी साहब से किसी से हुकूमत से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी के ऊपर के लेवल के लोगों से बातचीत हो रही है। ऊपर तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आसिम मनीर साहब ही है ना, और अगर आसिम मुनीर साहब बात कर रहे हो तो कंटेनर लगाना किसी की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है बात ना बनी हो। हमने 2014 के धरने में देखा है कि जब बात ऊपर हो रही हो, जब डीजीआईएसआई आपके साथ हो तो पुलिस आपके कहने पर एहतजाज रोकने से इनकार कर देती है, एसपी ने इनकार कर दिया था उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत में, आप डी चौक तक पहुंच गए थे, पुलिस पीछे हट गई थी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपके सर पे हो, बात ऊपर हो रही हो तो नीचे किसी की जरूरत है? हमें बेवकूफ ना बनाया जाए कि बात ऊपर हो रही है, बात ऊपर हो रही हो तो नीचे सबको सांप सूंघ जाता है। तो इसका मतलब है हमारी सियासत और सियासतदान मोहताज हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होती है या नहीं होती है, उनकी सियासत का पहिया तभी चलेगा जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी और पक्की बात होगी। फिलहाल तहरीक इंसाफ की सियासत तो यही है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही अपनी सियासत पे में उन्होंने इक्तदार हासिल किया, वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। तो क्या हमारी बाकी सियासी जमातों का इतकाद इस पर नहीं है या नहीं था माजी में? वो आपस में भी बात करती हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करती हैं, वो सियासी मामला बाद में ये भी कहते हैं कि एक भयानक तजुर्बा एक दूसरे के साथ काम करने का, फिर भी काम करती हैं, फिर भी को एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि एक मुल्क है, इकट्ठे जिंदा रहना है, एक टेबल पर बैठने से इनकार नहीं करती हैं। ये तो एक टेबल पर बैठने से इनकार करती है ना, ये कहती है हम और मुल्क के शहरी हैं, आप और मुल्क के शहरी हैं, हम आपको पाकिस्तानी नहीं मानते, वो आपको पाकिस्तानी, ये तो नहीं साथ बैठने के लिए तैयार। मुजम्मिल सोलवटी साहब, हुकूमत के पास ताकत है, वसाइल है, जाहिर है उनसे तो टक्कर नहीं ली जा सकती, ना ही लेनी चाहिए, रियासत के आगे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, तो इसके साथ ही हुकूमत की क्या ये ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो खुद आगे बढ़े और तहरीके इंसाफ के साथ बातचीत करें? हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्लामाबाद का तहफ्फुज़ करें, हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुल्क में जत्था सियासत का खात्मा करें, अगर कोई समझता है कि वो जत्थे लाकर इस्लामाबाद को यरगमाल बना सकता है तो ऐसी तमाम कुव्वतों का कला कमा करें, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो क्या हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो ये कहे कि जो एहतजाज में
शामिल होगा, उनके जो है ना वो शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, तलबा को असनाद नहीं दी जाएंगी, जो है वो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्या ये भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है? अगर गैर कानूनी एहतजाज होगा तो उसके नतीजे में हुकूमत अगर ऐसे कानून बनाती है कि ये हो सकता है तो हो जाएगा। वैसे भी मैं समझता हूँ जो बच्चे 18 साल के नहीं है उनको सियासत में एज ए पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि 18 साल के कम से कम उम्र के बच्चों ने आना था? ये तो सारे अज्यूम करने वाली बातें हैं कि वो आते तो ये होता, वो आते तो ये होता, तो उससे पहले ये कर लें। नहीं, अगर ये पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि बच्चे पंफलेट बांट रहे थे और फिर ये कहा गया कि बच्चों को पकड़ा गया है, मैं समझता हूं कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बच्चों को एज पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने की जरूरत थी। खुद आके पंफलेट बांटे, क्यों बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? जब कानून में लिखा है कि बच्चे 18 साल की उम्र तक सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते, वोट डालने का हक 18 साल का है, इलेक्शन लड़ने का हक 18 साल का है, तो आप क्यों 18 साल से कम उम्र बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं? हुकूमत तो 18 साल से ऊपर वालों को भी नहीं निकलने दे रही है। नहीं, हुकूमत निकलने देती है, क्यों नहीं निकलने देती है? आप मौलाना ने इतना कुछ किया, अगर आप आईन कानून के मुताबिक करें, अभी आपने सवाबी में उधर संजानी में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, जो आईन कानून के मुताबिक अगर आप कहेंगे कि हमें हुकूमत से इजाजत की जरूरत नहीं है और हम नहीं बताएंगे कि हमने आकर क्या करना है, कितने दिन बैठना है, तो कौन आपको करने देगा? कोई अपने ऊपर हमला करने की इजाजत देता है? तो आपका मतलब है कि ये जिंदगी जो है इस्लामाबाद के लोगों की, लाहौर की, और जो केपीके से जो जाहिर रास्ते बंद है वो 4 दिन जैम रहती है, हफ्ता जैम रहती है, ये कोई परवाह नहीं है? फिर यही वजीर खजाना कहते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आप जब पूरा मुल्क खुद ही बंद कर देंगे, शहर खुद ही बंद कर देंगे, नुकसान तो होगा। देखिए, हम 2014 से इस सूरत हाल का शिकार हैं। 2014 से एक सियासी जमात इस मुल्क में मुसलसल जो है धरने और मुजाहमत की सियासत कर रही है, चाहे हम उसे इक्तदार दे दें चाहे इक्तदार से निकाल दें, दोनों सूरतों में उसने मुल्क को सियासी इस्तेकाम नहीं दिया है। मैं आज पूरा दिन लाहौर फिरता रहा हूँ, मुझे तो कोई बंदा लाहौर की सड़कों पर निकलता हुआ नजर नहीं आया, ना मुझे फैसलाबाद से, ना कहीं से, कहीं कोई निकल के कहाँ जाता? ठोकर तक पहुंचता तो उसको वापस ही घर आना पड़ना था, कहाँ जाता निकल के? अगर 10,000-20,000 लोग निकल आते लाहौर की सड़कों पर तो ये कंटेनर हट जाते। अच्छा। जो केपी में लोग निकले हुए हैं वो हुकूमती वसाइल और हुकूमती आशीर्वाद से निकले हुए हैं। आप समझिए, अगर कोई अवामी इंकलाब हो तो वो लाहौर की सड़कों पे भी होगा, कराची की सड़कों पे भी होगा, क्वेटा की सड़कों पे भी होगा, और अगर सिर्फ रियासती मशीनरी के सर पर कोई इंकलाब होगा तो वो सिर्फ केपी में तक महदूद होगा। एक वजीर आला निकला हुआ है अपनी हुकूमती मशीनरी निकल लेकर दूसरे एक हुकूमत वफाक पर हमला करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो 8 फरवरी को कौन निकला? मुझे नहीं पता कौन निकला था, मुझे तो यह भी पता है कि 2013 में कहा गया था 35 पंचर लगे हैं, जब अदालत ने पूछा था तो आपके पास कोई जवाब नहीं था उन 35 पंचर का। 129 दिन आपने मुल्क को यरगमाल बनाया, आप कहते रहे 35 पंचर लगे हैं, जब जुडिशियल कमीशन आपकी शरायत पे बना, टीओआर आपकी मर्जी के थे, कमीशन आपकी मर्जी का था, उसने कहा 35 पंचर के सबूत लाए, तो आपने कहा मेरा सियासी बयान है। इस मुल्क में आपने धांधली के नाम पर कई दफा झूठ बोले हैं, और 2018 में आरटीएस बैठा गया, लिहाजा मुझे तो लगा कि अदम इस्तेहकाम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक सियासत में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जाहिर है ये मौशी इस्तेहकाम इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? हुकूमत के साथ बातचीत हो नहीं रही है तो कैसे ये, क्या ऐसे ही कभी बंद हो रहा है मुल्क, कभी खुल रहा है, कभी एहतजाज की कॉल हो रही है, कभी इस्लामाबाद बंद है, कभी लाहौर बंद है, अब देखे ना कल भी तालीमी इदारे बंद होंगे, इंटरनेट बंद है, तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल तो तब भी नहीं निकला जब हमने इमरान खान को वजीर आजम बना दिया और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा आए इकोनॉमिक चार्टर कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा आपसे बात नहीं करूंगा लीडर ऑफ द अपोजिशन से। इसका हल तो तब भी नहीं निकला जब उनको इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत दे दी, तो वो तब भी मुल्क को इस्तेहकाम नहीं दे सके, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से अदम इस्तेहकाम का शिकार रखा मुल्क को। आज जब वो अपोजिशन में है तब भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रखते हैं, हुकूमत में वो तब भी रखते हैं। सियासत उनकी तब्दील होगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, उन्हें सियासत के अपने असूल और रूल्स बदलने पड़ेंगे, उन्हें इतनी अकल आ गई है कि अब इस्तीफे नहीं देने, क्योंकि पहले वो इस्तीफों की सियासत करते थे, उन्हें समझ आ गई कि इस्तीफे देने का नुकसान है, उन्हें चंद दिन में यह समझ भी आ जाएगी कि धरने और ये चढ़ाई करने का भी नुकसान है, समझ एक नई इंटरनी सियासी जमात है, वो वक्त के साथ सीख रही है, उसमें मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपने शाजिया ज़ीशान और मुज़म्मल सरवर्दी की गुफ्तगू सुनी। शाजिया ज़ीशान ने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत के पास ताकत है, वसाइल हैं, हुकूमत इस तलखी को कम कर सकती है, हुकूमत को चाहिए कि जरा सी लचक दिखाए और तरीके इंसाफ के साथ बैठ कर बात करे, कुछ उनकी माने और कुछ अपनी मनवाए, मगर हुकूमत चूंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं, इसलिए ये तरीके इंसाफ के किसी की भी मतालबे को मानने के हक में नहीं है, क्योंकि इनकी डोरें कहीं और से कंट्रोल की जा रही है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।